सत श्रीकाल सलाम नमस्ते, मैं हूँ रणदीप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका वेरा सिटी न्यूज में। पत्रकार जब जनता के लिए आवाज़ उठाता है तो उसे क्या सिला मिलता है, ये आपके सामने लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे जनता की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं जनता की वो आवाज़ उठा के उन नेताओं तक पहुँचाते हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी वारदात होती है। क्या वारदात होती है, आइए सुनते हैं उनकी कहानी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप जाते हैं हर वक्त बीजेपी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसे कवर करते हैं, उसके बाद कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो जनता की आवाज़, चाहे वो डेली वेजेस की बात करें, चाहे किसी भी, जिन्होंने अभी तक लगभग सिर्फ लाठियाँ ही खाई है जम्मू में, जहाँ प्रदर्शनों का शहर, जो मंदिरों का शहर होता है, प्रदर्शन शहर बन चुका है, लेकिन आवाज़ उठा के जब जाते हैं तो वहाँ से आपके साथ क्या रिएक्ट किया जाता है वो जानना चाहते हैं। रणदीप जी, देखो, जब पत्रकार कभी जनता की आवाज़ उठाता है ना, तो आज की डेट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश के अंदर ये ऐसा निज़ाम है कि उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है जो इंसान जुनून के साथ लड़ता है और जुनून के साथ ही करता है। वो अगर अपने आप अपने मुफाद के लिए अगर वो जर्नलिज्म कर रहा है तो उसको जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर वो अपने परिवार को पालने के लिए अगर वो कर रहा है, देखो गृहस्थी हर किसी को करनी है, लेकिन गृहस्थी को करने के लिए इतना झुक जाना और ये कहना कि नहीं हमें गृहस्थी पालनी है अपनी, इसलिए हम अब जनता के सवाल नहीं करेंगे, तो एक तो वो तरफ हो जाता है। दूसरा तरफ जो हो जाता है, जो जनता के सवाल करता है उसको कहीं ना कहीं हर कोई दबाने की कोशिश जो करेगा, ताकि ये इतना दब जाए कि ये जनता के सवाल पूछना बंद कर दे, उन नेताओं के सवाल पूछना शुरू कर दे जो आपको पार्टी के अंदर एंट्री भी मिलेगी, जो आपको पार्टी के साथ बड़े बड़े लीडर्स के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा, आपको उनसे कोई फ़ायदा मिल जाएगा, या आपको उनसे इंटरव्यू करने हैं तो जहाँ हम अगर लोग अगर इंटरव्यू के लिए फ़ोन करते हैं तो हमें महीने महीने बाद भी टाइम नहीं मिल पाता, डिबेट के लिए अगर फ़ोन करते हैं तो कोई कहाँ बिजी है, कोई कहां भी जी, कोई कहां भी जी। तो ये जनता के सवाल पूछने वाले पत्रकार के साथ होता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी कल हुआ, जब मैंने डेली वेजर के लिए सवाल रखा सामने, तो जो हमारे भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, और मैं एक बात ये बोलूं कि मेरे लिए भी बड़ा वो शॉकिंग इंसिडेंट था, क्योंकि चार साल में मैंने तकरीबन रविंदर रैना जी के साथ कई बार 1-to-1 इस तरह से किया है, कभी मैंने उनको इतना अग्रेसिव, कभी मैंने उनको इस तरह से जो जैसे उन्होंने कल रिएक्ट किया मैंने नहीं देखा। क्या वजह थी, क्या उनको मेरा कोई पहले कुछ इंटरव्यू जो मेरे चले हैं क्या वो उनको कुछ पसंद नहीं आए, या उनको लगा कि ये बार बार डेली वेजर के सवाल आकर पूछता है, या उनको वो पसंद नहीं आए जिस वजह से उन्होंने रिएक्ट किया। और सिर्फ डेली वेजर का सवाल पूछने पर अगर ये रिएक्शन मिलता है तो ये उनको सोचना पड़ेगा जिन्होंने वादे किए हैं। अगर वो वादे पूरे कर दे हमारे सवाल ही ख़त्म, हमें ज़रूरत ही नहीं सवाल पूछने की, हमारी एंट्री बैन करने की क्या ज़रूरत है। मैं एकमात्र डेली वेजर के लिए सवाल पूछने के लिए भाजपा पार्टी में जाता हूँ, लेकिन मेरे पे ये टैग लग जाता है कि आप कांग्रेस के पक्ष के हो इसलिए आप डेली वेजर, अरे यार हम डेली वेजर के पक्ष में हैं इसलिए हम डेली वेजर की बात करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया डेली वेजर के लिए, कुछ नहीं किया उन्होंने भी वादे किए। आपको टोकना चाहूंगा, खाली रविंद्र राणा जी की बात नहीं करूं, काफी सारे ऐसे नेता जब उन्हें डेली वेजर या किसी भी जो अभी अपने लिए इंसाफ मांग रहे, जो सड़कों पर बैठे हैं, जिनके परिवार इस टाइम दुखी हैं, जो दुखी हैं अपने बच्चों को लेकर दुखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सत्ता में जो सरकार होती है जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, खाली अभी तो सत्ता में बीजेपी की सरकार चल रही है, आखिरकार वो क्यों बौखला उठते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों बौखला उठते हैं इन बातों पर। देखो रणदीप जी, मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो ये जो सवाल आपने किया ना, ये सवाल आपको एक विपक्षी पार्टी से, ठीक है, मैं कोई विपक्ष का नहीं हूं, ठीक है, मैं एक मीडिया जर्नलिस्ट हूं, मेरे को विपक्ष की आवाज भी बनना है, मेरे को पक्ष की आवाज भी बनना है। मुझे सत्ताधारी पार्टी अगर कोई अच्छा काम करेगी, अगर कोई अच्छा काम करेगी सत्ताधारी पार्टी, हमें उसकी तारीफ करनी है। हम करते हैं कि पत्थरबाजी बंद करने का जो जिगरा, जो हिम्मत और जो पैशन के साथ भाजपा पार्टी ने किया है, किसी पार्टी के अंदर मैं सभी पार्टी के, ये लाइव अगर वो मैं देख रहे हैं, मैं ठोक के बोलता हूँ कि भाजपा पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो पत्थरबाजी बंद करा सकती थी, जो सेपरेटिस्ट लीडर को उनकी औकात दिखा सकती थी। ये सिर्फ भाजपा के और हमारे नरेंद्र मोदी में ही ये दम था, ये मैं साफ बोलता हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब मुद्दों को छोड़ दें। तो ये विपक्ष पार्टी के जो है वो सवाल है, या आपको विपक्ष के पार्टी से आपको ये सवाल, अगर चौथे स्तंभ की बात करें जो हर एक लोगों की आवाज़ उठाता है, अगर आम एक चौथा स्तंभ यानी कि जिससे सब जिसके पास आखिर पर आता है जब इंसाफ नहीं मिलता, अगर उनके साथ ही नाइंसाफी होगी, उनके साथ ही बदतमीजी की जाएगी, उनके ही माइक तोड़ा जाएगा, तारे तोड़ी जाएगी, तो आम जनता के साथ क्या होगा? क्या लगता है आपको आम जनता की आवाज़ सुनेंगे ये? देखो उसके लिए तो हमें अपने एक बड़ा अच्छा सा एक थॉट है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और जब यूनिटी में हम सब साथ रहते हैं तो कोई भी किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता, चाहे वो कोई गरीब इंसान हो, चाहे वो कोई किसी की आवाज़ नहीं उठ रही, चाहे हम मीडिया जर्नलिस्ट हैं, चाहे हमारे डेली वेजर जर्नलिस्ट हैं, डेली वेजर भाई हैं, आप देख रहे हैं कि डेली वेजर पिछले एक साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 25-30 साल से वो प्रताड़ना तो सह रहे हैं लेकिन वो एक साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट उनका कोई भी तोड़ इसलिए नहीं तोड़ पा रहा क्योंकि ये भाई हमारे इकट्ठे हैं। जिस दिन ये अलग अलग बटना शुरू हो जाएंगे उस दिन इनको तोड़ने के लिए कई हथकंडे जो है अपनाए जाते हैं, तो ये हमारी फटनिटी की कमी है। लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया करता हूँ उन चैनल्स का, आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने आवाज़ उठाई, मेरे दो चार भाई और हैं जो आवाज़ उठाई, जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, कुछ इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ भाजपा पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कल मुझे फ़ोन किया, शायद सुनकर शौक लगेगा भाजपा लीडर वालों को, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। अगर जो जनता की आवाज़ उठाते हैं मीडिया फर्नल्टी, अगर उनकी मजबूरी है तो वो तो खुद पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि वो मेरे से उनको लगाव है, मेरी पत्रकारिता से उनको लगाव है, उनको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। कई और पॉलिटिकल पार्टीज़ के उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बहुत बातें मेरे साथ की कि अरमीत जी आपको ऐसे करना है, आपको वो करना है, बट नहीं, मेरा काम मीडिया है, मैं इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं इतना टाइम इस चीज़ पे वेस्ट करूँगा उतना टाइम मैं किसी गरीब इंसान की जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, मैं उनके साथ जाकर इंटरव्यू करूं, उनकी आवाज़ उठाऊं, मेरे लिए यही है, मेरे को मेरा जर्नलिज्म यही सिखाता है, मेरे को नहीं किसी और पछड़े में पड़ना कि मैं ये करूं वो करूं, मैं उन चक्करों पे नहीं पड़ने वाला। आपके साथ फिर आएंगे, अभी बात करेंगे, रवि हंसी यहाँ पे आ चुके हैं डेली विजर्स की। रवि हंसी पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। ये जानना चाहूँगा कि लगातार एक साल से ज़्यादा आपको हो गया सड़कों पर, आपने लाठियाँ भी खाई, आपने कुछ पत्रकार जो हैं सभी पत्रकार आपके पास आए, कुछ शायद उनमें से दोबारा नहीं भी आए होंगे, और जो कुछ ऐसे हैं जो लगातार आ रहे हैं उसमें से एक हरमी सिंह जी भी हैं जो लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, क्या ये आवाज़ उठाना गलत है जो इनके साथ वहाँ पे हुआ, क्या ये सही है उन्होंने डेली विजर की आवाज़ उठाई? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, थोड़े दिन पहले मैंने एक निर्मल सिंह जी का वीडियो सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डेली विजर को रेगुलराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। तो मैंने ही हरमीत जी को कॉल किया था कि आप ऐसा करें कि डॉक्टर साहब को एक बार डिबेट में बुलाएं ताकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं इनसे बात करना चाहता हूं। तो शायद इनकी डॉक्टर साहब से नहीं टाइम फिक्स हुआ होगा, तो यही बात लेके ये जब बीजेपी ऑफिस में से सवाल पूछना चाहते थे जैसा इन्होंने बताया है या हमें सुनने में आया है, तो वहाँ अरविंद रैना जी ने जो भी कुछ किया या जो हुआ वहाँ पर, तो हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बाकी तो चलो जितने भी लीडरशिप बीजेपी की, कभी कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हम इतना उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन रविंदर रैना जी का इस तरीके से हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे क्योंकि हर बार रविंदर रैना जी डेली वेजर के मुद्दे पे खुल के जवाब देते थे। अगर आपको जवाब नहीं देना था तो आप ना देते, वो अलग विषय था, लेकिन अगर जनता के बीच में दो ही जनता के नुमाइंदे होते हैं जो जनता की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, एक तो जो जनता जिन लोगों को चुनती है, जिनको वोट देती है, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेटर हो, सरपंच हो, पंच हो, और दूसरा पक्ष जनता के पास दूसरा साधन होता है मीडिया, जो कि मीडिया जनता की आवाज़ को आगे ले जाता है। आज हमारे देश में बदकिस्मती है कि जो नेशनल मीडिया है वो तो पहले ही बिका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। जम्मू के हमारे यही न्यूज़ पोर्टल्स साथी हैं जो पिछले लगातार जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार हमारी आवाज़ बने हुए हैं, और हर एक मीडिया बंधु ने बिना किसी लालच के हमारा समर्थन किया है, और आज उन लोगों के साथ अगर डेली वेजर के मुद्दे पे इस तरीके का बिहेवियर होता है तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है। अरविंद रैना जी को इस बात के ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए कि उनका एटीट्यूड किस तरीके का था, और वो करना क्या चाहते हैं, और वो किस
पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, क्या वो उनके व्यक्तित्व के साथ ये मैच करता है, नहीं करता। तो दूसरी बात, मैं एक बात और मीडिया बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लीडर मीडिया बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई समझे या ना समझे। आज चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है, चाहे कोई MLA की कुर्सी पे बैठा है, मंत्री की कुर्सी पे बैठा है, लेकिन जब तक मीडिया उसको फुटेज नहीं देगा, कहीं नहीं बन सकता। अगर मीडिया इन लोगों को नेता बना सकता है, क्या मीडिया अपने लिए इतना भी नहीं कर सकता कि अपनी एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर सके? मीडिया को भी चाहिए कि एकजुटता आपस में जरूर होनी चाहिए। इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता, इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है। सत्ता पक्ष के साथ मुद्दों पे अगर टकराव होता है तो मुद्दों पे टकराव होना चाहिए। आप जनता की नुमाइंदगी करते हो, आपके ऊपर जनता का बहुत बड़ा भरोसा है और आपको जनता के हित की बात करनी है। नेताओं को पसंद आए ठीक है, नहीं आए नहीं हो। अगर मीडिया को चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, अगर इस तरीके का एटीट्यूड हो मीडिया के प्रति रखता है, तो मीडिया को भी समझना चाहिए कि उस आदमी का बिल्कुल टोटली बहिष्कार कर देना चाहिए, उस पार्टी का भी, उस आदमी का भी जो मीडिया को ही प्रेफरेंस नहीं देता। बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पे आखिर में हम डॉक्टर संदीप जी से भी बात करना चाहेंगे। डॉक्टर संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आवाज़ उठाने वाले पत्रकार को अगर इस तरह का बिहेव किया जाएगा तो आम जनता का क्या होगा? खासकर अगर मैं बीजेपी कार्यालय की बात करूं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं पूछेगी थी, सिर्फ एक डेली वेजेस की जो मुद्दा है, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो उस पत्रकार ये होता है कि उस स्टोरी को लगातार कवर करते रहते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं होता। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कल हुआ है इंसिडेंट बीजेपी ऑफिस में, ये बहुत ही निंदनीय है। आप जब एक कुर्सी पर बैठते हैं, एक मर्यादित हैं आप, तो आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप ऐसे ही मीडिया कर्मी से बिहेव करें, बर्ताव करें कि जिन्होंने आपको बनाया है। बाकी रहा मीडिया, मीडिया देखो, मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है हमारे देश का, और एक निष्पक्ष होता है मीडिया, उसे किसी भी सरकार से कोई सरोकार नहीं होता। वो जनता के मुद्दों को उठाता है, कृतियों को उठाता है, तो उससे आपको भागना नहीं चाहिए। आज हम विपक्ष में बैठे हैं, आज आप सत्ता में हैं, हमसे भी सवाल पूछे गए थे, आगे ही पूछे जाएंगे। पर बात ये आती है कि आपको जो एटीट्यूड है, मीडिया कर्मी तो है ही है, जनता के प्रति भी आपका रवैया बहुत मैटर करता है। जब आप एक मीडिया कर्मी का सम्मान नहीं कर पाएंगे, उनके आत्मसम्मान को छेड़ेंगे, तो आप बताइए आप आम जनता से क्या करते होंगे? सत्ता का नशा चंद पलों का होता है, क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मैंने आपको पहले ही चीज़ बोली है। बट आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो जनता के दिल में हमेशा एक छाप छोड़ता है, तो उस छाप को आप बिगाड़िए मत। रही बात हमारे डेली वेजेस की, हमारी लड़ाई इनके साथ है और हमेशा रहेगी, हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं जब तक इनको पक्का नहीं किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब से ये 370 का एब्रोगेट किया है बीजेपी ने, लंबी लंबी डींगे हाँक रहे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। पत्थरबाजी ठीक है, मानता हूँ कम हुई है, पर टारगेट किलिंग वो तो बंद नहीं हुई। दूसरी बात, अभी कुछ महीने पहले सेंट्रल अपने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वाइस चांसलर्स की, वो बाहर की अपॉइंटमेंट्स हुई है। आप मुझे बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई इतना काबिल नहीं था कि इनको वो पोस्ट दी जाए? तो कहीं ना कहीं मतलब कि हमारे राज्य वालों को कहीं ना कहीं बहिष्कार किया जा रहा है भाजपा द्वारा, और बाहर के जो लोग हैं बिहारी हैं उनको यहाँ बसाया जा रहा है। बात सच है और कड़वी है। दूसरी बात, CUET एग्ज़ाम्स, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, अभी आपने श्रीनगर का सेंटर बच्चों का वहीं रखा हुआ है, पर हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, फार फ्लैंग एरियाज़ में है, ऐसे बच्चे जिनके पास पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उनके फैमिली वाले उनको नहीं पढ़ा सकते, फिर भी हमारे एक होनहार बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ के, दिन रात मेहनत करके। वो अब मुझे बताइए, उनको जो इतना दूर सेंटर अपने स्टेट से बना दिया, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू वालों के साथ ही धक्का नहीं है, धोखा है ना हमारे जम्मू के साथ? लॉलीपॉप दिया आपने, डेवलपमेंट के नाम पर आपने बेड़ा गर्क कर दिया, स्मार्ट मीटर लगा दिया आपने। अब स्मार्ट मीटर देखो आपके रोज जल रहे हैं, पर बिल आपके लाख लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख आ रहे हैं। तीसरी बात, हमारे पास थर्मल प्लांट्स हैं जो एक्टिव हैं अभी तक हमारे J&K में, हमारी बिजली बाहर जा रही है। इवन कि हमने RTA भी लगाया था, तो उसमें यह आया था कि 600 करोड़ में ये बिजली हम बेचते हैं। हमें उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, नो हमारे थर्मल पावर प्लांट है जो वर्किंग में है। और एक हमारे पॉलिटिकल थे, हमारे सीनियर का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, उन्होंने ये बोला था कि कम से कम 3500 करोड़ की बिजली हम बाहर बेचते हैं। हम ही बिजली, हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, हमारे देश, हमारी सॉरी स्टेट में, और हम ही बिजली से वंचित रह रहे हैं।
लंबे लंबे कट लगा दिए हैं, बीमार लोग घर पड़े हैं, पेशेंट्स हैं जिनको मतलब कि बिजली की ज़रूरत है, हैं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं संदीप जी, आखिर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं रविंदर राणा जी की बात करूं तो लगभग उन्हें इस बिहेवियर में कभी नहीं देखा गया, जब भी कोई सवाल पूछता है, लेकिन इस वक्त उनका ऐसा बिहेव और इस तरह का मतलब ये करना, उसे आप क्या कहेंगे आखिर में? देखिए अरविंद राणा जी का जो ये बिहेवियर था ना, ये उनकी बौखलाहट है। जब इंसान बौखला जाता ना कुर्सी खोने के डर से, तो वो ऐसी प्रतिक्रिया देता है। वो उन्हें पता है कि बीजेपी ने क्या किया जम्मू कश्मीर में और उनके साथ आगे जनता ने क्या जवाब देना है। तो उसी बौखलाहट में जब हमारे हरमीत भाई ने उनसे तीखे सवाल पूछे तो शायद वो पहचान नहीं पाए उसको, और बदले में उन्होंने अपना रिफ्लेक्स दे दिया इनको भाई माइक तोड़ के। तो एक कुर्सी बैठे ऐसे हमारे नेता हैं, भाजपा अध्यक्ष हैं हमारे, पर ऐसा उनसे व्यवहार करना तो बहुत ही गलत अनुचित है। तो इस पर चलिए हमारे भाई साहब का बड़प्पन है कि ये फिर सब कुछ भुला के, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं चलो हो गया। बट फिर भी कहीं ना कहीं इंसान का खुद का ज़मीर होता है, इंसान जो मर्जी कर ले पर अपने ज़मीर से कभी बच नहीं सकता। बाकी खुदा बैठा है, नील छतरी वाला बैठा है, वो इंसाफ करता है, वो करता आया है। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे कि एक पत्रकार के साथ इस तरह का वार्तालाप होता है, और इस तरह एक पत्रकार को जो वहाँ पे वो जाते हैं उनका माइक तोड़ा जाता है, उनकी एंट्री बैन की जाती है। क्यों? क्योंकि वो जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो जवाब नहीं दे पाते तो उनका ये सामने आता है। और आपको पत्रकार के लिए बता दूँ कि जो पत्रकार होता है, जब उसे के ऊपर कोई खतरा मंडराता है तो उसकी कोई सेफ्टी नहीं होती, जब उसकी मौत होती है उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो चौथा स्तंभ है। अभी हरमीत जी के फेवर में सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, कुछ नेताओं बीजेपी के नेताओं की बात करें, उनके भी कॉल्स आए हैं, यहाँ तक कि काफ़ी जो लगभग उनके साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ जुड़े, यहाँ पे कि डेली वेजर्स के हंस जी भी यहाँ पहुँचे कि जो इनके साथ हुआ वो गलत हुआ है, क्योंकि पत्रकार के साथ ऐसा होना कई हद तक सही नहीं है। और मैं सभी पत्रकार भाइयों को ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि एकजुट होकर यूनिटी बना के हरमीत जी के साथ इसका साथ दीजिए। जनता की राय बहुत ज़रूरी है कि एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा होता है तो आम जनता के साथ क्या होगा, लेकिन जनता अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए वेरा सिटी न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।